हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेपर मोटर क्या होती है और ये कैसे काम करती है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ये कितने तरह की होती है, सर्किट डायग्राम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सभी को जानने और समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्लाइड पर। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें सो दैट कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड उन सभी वीडियोज को हम आप तक इजिली से पहुंचा पाएं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं कंप्यूटर स्लाइड्स पर। स्टेपर मोटर को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको plcdcscontrol.com के बारे में बताना चाहूँगा। plcdcscontrol.com एक एक्सक्लूसिव पोर्टल है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर YouTube में जो भी जितने भी वीडियोस मैं यूज़ करता हूँ, जो स्लाइड्स मैं यूज़ करता हूँ, वो सारे के सारे PDFs इस वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर इसको PDFs आपकी रिक्वायरमेंट है और आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। स्टेपर मोटर है क्या? सबसे पहले स्टेपर मोटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक सिंक्रोनस मोटर है और इसका जो फुल रोटेशन है वो रोटेशन ये रोटेशन जो करता है ये स्टेप्स में रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर टोटल वन रोटेशन करने के लिए हमको 360 डिग्री का मूवमेंट चाहिए, 360 डिग्री से वन रोटेशन कंप्लीट होता है, लेकिन इसके ये क्या करता है कि ये जो मोटर है ये स्टेप्स में रोटेट होता है। नॉर्मली एक मोटर जो होता है वो 200 पल्सेस के लिए डिजाइन होता है। अब 200 पल्सेस अगर हम इस मोटर को प्रोवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक रोटेशन लेगा। इट मींस कि इसका जो एक स्टेप हुआ वो एक पल्स इज इक्वल टू एक स्टेप, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 360 डिवाइडेड बाय 200 अराउंड 1.8 डिग्री का इसका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि इसका एक स्टेप कहलाएगा। अब ये जो मोटर्स हैं इनको ये मोटर डायरेक्टली हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, इनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में ड्राइव सर्किट चाहिए। ड्राइव सर्किट क्या करता है कि जो पल्सेस जनरेट करता है वो पल्सेस के हेल्प से ही स्टेपर मोटर चलते हैं। तो ये एक इन शॉर्ट अगर आप स्टेपर मोटर के बारे में बोले तो ये एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि स्टेप्स में रोटेट करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक स्टेपर मोटर का डाइसेक्शन करके आपको इंटरनल पार्ट्स दिखाए गए हैं स्टेपर मोटर के। एंड इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट फ्रंट एंड और लास्ट एंड में इसके मोटर के कैप हैं। बीच में जो ये पार्ट है दिस वन, ये जो पार्ट है यहां पर आपको मिलेगा, ये जो पार्ट है हाँ इस पार्ट में ये पार्ट हमारा स्टेटर है और इसके साथ में जो ये पार्ट रखा हुआ है ये पार्ट हमारा रोटर है। इस रोटर में आप देखेंगे कि ये जो रिंग्स लगे हुए हैं ये परमानेंट मैग्नेट हो गए और स्टेटर के अंदर जो ये कोर लगा हुआ है ये जो मेटेलिक कोर है ये इसमें भी देखिए टीथ है, तो ये हमारा स्टेटर के स्टेटर का इंटरनल पार्ट हो गया। एंड ये जो कॉइल्स आप देख रहे हैं ये आपके डिफरेंट पोल्स हैं जो कि हम जब इनमें पावर सप्लाई देते हैं तो पावर सप्लाई देने पर ये मैग्नेट फॉर्म करते हैं। अब सिमिलरली आप देखेंगे कि इसमें जो वायरिंग है ये वायरिंग भी आप फोर वायर्स आप इसमें देख पा रहे होंगे, एक रेड है, ग्रीन है, येलो है एंड ग्रे कलर है। तो ये चार तरह के जो इसमें सर्किटरी के वायर्स हैं ये वायर्स में जब हम पल्सेस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हैं आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोलरिटीज डेवलप होती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है जिसकी वजह से ये रोटर आपका जो ये स्टेपर मोटर का जो ये रोटर है ये रोटर इसमें रोटेशन आता है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये स्टेपर मोटर तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम ब्रॉडली एक कैटेगराइज करें तो इनको आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है परमानेंट मैग्नेट, जो इसका रोटर है उस रोटर के अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है अगर वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का है, परमानेंट मैग्नेट है, तो ये परमानेंट मैग्नेट टाइप की मोटर कहलाएगी। और ये जो फर्स्ट कैटेगरी है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये फर्स्ट कैटेगरी है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। इसके बाद में वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर्स होती हैं, इनको VRSM भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट नहीं लगा होता है, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है बट वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, और जो थर्ड वन है हमारा हाइब्रिड स्टेपर मोटर। हाइब्रिड स्टेपर मोटर क्या करता है कि ये अपर जो परमानेंट मैग्नेट एंड VRSM वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके हम हाइब्रिड मोटर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं कि स्टेपर मोटर काम कैसे करता है। जैसा कि अभी मैंने स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेपर मोटर कैसे काम करता है, स्टेपर मोटर क्या करता है कि स्टेटर जो है वो मल्टीपल पोल्स और उसकी वाइंडिंग्स रहती है उसके पास में। जैसा कि आपने यहाँ देखा ये स्टेटर है, स्टेटर्स में मल्टीपल पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं इन कॉइल्स में मैग्नेटिक पोल्स हैं जो कि इन पल्सेस जब इन वायरिंग में जब हम पल्सेस प्रोवाइड करेंगे
इन वायरिंग्स में जब हम पल्सेस प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पोलरिटीज फॉर्म होंगी। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोलरिटीज हैं वो इस रोटर को कैप्चर करेंगी और इसको मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से इसमें मोशन स्टार्ट होगा। ओके, अब जो इसमें मोटर, जो रोटर पार्ट है, इस रोटर के जो मैग्नेट है उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये जो मैग्नेट है, अब हाँ इसमें एक चीज और है, इसके जो मैग्नेट हैं आप इसमें मैग्नेट रिंग के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनको आप रेड और ब्लू कलर से आप देख रहे होंगे। रेड और ब्लू कलर आपस में देखेंगे ये अलाइंड नहीं है, बिकॉज ये दोनों सेम पोल्स होते हैं और सेम पोल्स आपस में फिक्स नहीं हो पाएंगे, तो ये हमेशा मिस अलाइन ही रहते हैं। मिस अलाइन रहने की वजह से ही इसमें एक चीज और है कि रोटर में डेडलॉक की कंडीशन कभी नहीं बनती, बिकॉज जो यहाँ पर आप टीथ देख रहे हैं, ये जो टीथ है स्टेटर के टीथ, यहाँ पर आपको जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे टीथ दिखाई दे रहे होंगे, ये जो टीथ हैं ये आपको आप इसका जो नंबर्स होगा और जो इसके टीथ हैं इसका जो नंबर्स होगा, उन दोनों में कभी भी ये इक्वल नंबर्स नहीं होंगे, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से कभी भी यहाँ पर डेड लॉक की पोजिशन नहीं आती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्टेपर मोटर की, जो कि ड्राइव सर्किट के बेसिस पे होती है। इसमें हम तीन टाइप के मोटर्स को, इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो यूनिपोलर, बाइपोलर, हाफ स्टेप, फुल स्टेप एंड माइक्रो स्टेप ड्राइव। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूनिपोलर ड्राइव्स कौन सी होते हैं और यूनिपोलर स्टेपर मोटर कैसे काम करता है, बाइपोलर एंड हाफ स्टेप फुल स्टेप कैसे काम करता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूनिपोलर का सर्किटरी आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो स्टेटर की वायरिंग्स है वो ये कॉइल्स हैं, ये हमारा रोटर है जिसमें एम वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कर्सर देखिए, एंड साथ में जो इसकी क्वाइल्स हैं दैट इज इसको सेंटर टैपिंग ली गई है दोनों क्वाइल से और दोनों को मर्ज करके एक सिंगल पॉइंट बना दिया गया है। ओके, तो अब होता क्या है कि हम इन क्वाइल्स को कॉमन कर दिया गया है, ये इस क्वाइल में नॉर्मली इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, इस क्वाइल को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वन बाई वन, वन फोर टू एंड एट, ये जो चार पॉइंट्स बचे हमारे, इन पॉइंट्स में हमेशा हम दूसरे एंड पे पल्सेस का जो सिंकिंग एंड है हम वो देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। इट मींस कि जो ये कॉमन वायर है, रेड वाला कॉमन वायर, इस कॉमन वायर से या तो ए में पॉइंट नंबर वन में जाएगा या फिर यहाँ से पॉइंट नंबर फोर में जाएगा, इस तरीके से ये यूनिपोलर ड्राइव है, बिकॉज इसमें जो स्टेटर है इनके जो पोल्स हैं उनकी पोलैरिटी हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करके चेंज नहीं कर सकते। आप पोलैरिटी क्या है, बाइपोलर में क्या होता है, बाइपोलर में देखिए सेम सर्किट है बट देयर इज नो कॉमन वायर, आप दोनों क्वाइल्स को सेपरेटली ऑपरेट करते हैं, आप इन दोनों क्वाइल्स को आप वन से लेकर फोर में भी करंट फ्लो करा सकते हैं, फोर से लेकर वन में भी करंट फ्लो करा सकते हैं, यानी कि करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं अपने ड्राइव सर्किटरी के हेल्प के थ्रू, जो कि एच ब्रिज होता है या फिर किसी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू आप प्रोग्रामिंग करके या फिर किसी पीएलसी को इसके साथ में क्लब इंटीग्रेट करके। अब जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, दैट्स वाई इसको हम बाइपोलर बोलते हैं। ये यूनिपोलर है बिकॉज हम इसमें जो वाइंडिंग्स हैं उनके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको यूनिपोलर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, हाफ स्टेप फुल स्टेप ड्राइव एंड हाफ स्टेप फुल स्टेप ड्राइव एंड माइक्रो स्टेप। अब सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि एक स्टेप जो फुल स्टेप बोला गया है उसका क्या मतलब है। आप बेसिकली आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग ऑफ दिस स्लाइड, वहां पर मैंने इसको एग्जांपल दिया था कि अगर 200 पार्ट्स हैं, 200 पल्सेस के लिए कोई मोटर डिजाइन है तो उसका जो एक पार्ट हुआ दैट इज 1.8 डिग्री जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो एक स्टेप हुआ इसका, तो 200 स्टेप में हमारा वन रोटेशन कंप्लीट होगा, बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो 1.8 डिग्री इज टू शॉर्ट, उसको स्नैप में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 90 डिग्री को एक स्टेप कंसिडर कर रहा हूँ। आप स्टेप का मतलब 90 डिग्री ही नहीं होता है, दैट इज ऑनली फॉर एक्सप्लेनेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वन फेज ऑन और फुल स्टेप। इट मीन्स क्या है कि हमारे यहाँ पे जो अंदर पोल्स, जो क्वाइल्स है, उस क्वाइल में हमने एक सिंगल क्वाइल को ऑपरेट किया। ओके, इस सिंगल क्वाइल को ऑपरेट करते ही क्या हुआ कि जो हमारे रोटर के पोल्स थे वो इस तरफ अलाइन हुए और मोशन यहाँ पे आके लॉक हो गया, बाकी सब स्टॉप है। अब इस ये जो पल्स है इसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया या फिर इस पल्स का जो करंट है उसको जीरो कर दिया। उसके बाद में हमने उसके जो एडजेसेंट मैग्नेट है, जो एडजेसेंट उसमें जो क्वाइल है, उसको हमने फिर से पावर दी। उसको पावर देते ही क्या होगा कि जो पोल यहाँ पे अलाइन था वो पोल रोटेट होकर यहाँ बी के सामने अलाइन हो जाएगा। ओके,
तो यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये चार पोल है, दैट्स वाई हम इसको एक इसको हमने ऑफ कर दिया, इसका जो इस क्वाइल का जो पावर था उसको कम कर दिया, बी में आ गया, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। उसके बाद में हमने फिर इसको ऑफ कर दिया, नीचे वाला जो पोल है, नीचे वाला जो क्वाइल है उसको हमने ऑपरेट किया, तो ये रोटर यहाँ अलाइन हो गया। इट मीन्स वन फेज ऑन, मतलब एट ए टाइम हमारी एक क्वाइल में पावर दे रहे हैं, एंड फुल स्टेप, तो ये पूरा एक स्टेप ले रहा है। ओके, वन स्टेप ये पूरा पूरा ले रहा है। अब हमने क्या किया, फुल स्टेप की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, टू क्वाइल एट ए टाइम ऑन कर रहे हैं। अब मैंने क्वाइल इसको फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, इन दोनों क्वाइल में पावर दी। अब दोनों क्वाइल में पावर है तो ये रोटर इनके इंटरमीडिएट पार्ट में जाके कहीं पे ऑफ होगा, यहाँ पे जाके स्टक हो जाएगा। देन अब हमने बी और ए नीचे वाले दो मैग्नेट्स को पावर दी, तो फिर से वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। 90 डिग्री रोटेट होने के बाद में यहाँ पर आके स्टॉप होगा, सिमिलरली यहाँ पर होगा, एंड देन यहाँ पर होगा। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, ये हमारा एट ए टाइम एक क्वाइल ऑपरेट हो रही, यहाँ पे हमारी एट ए टाइम दो क्वाइल्स ऑपरेट हो रही। नो डाउट ये जो सर्किटरी है, इस सर्किटरी में पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, रोटेशन हमारा उतना ही हो रहा है बट पावर कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर दो क्वाइल्स को एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा एट ए टाइम एक ही क्वाइल ऑपरेट हो रही है सिमिलरली, लेकिन इसका टॉर्क ज्यादा होगा। अब दो क्वाइल का फोर्सेस लग रहा है, इसकी वजह से इसका टॉर्क जो है वो बढ़ जाएगा। नाउ अब हम आते हैं हाफ स्टेप के बारे में। अब इसी को थोड़ा सा दोनों आपने दोनों फेस जो इससे पहले वाली स्लाइड से दोनों क्लियर हो गई। देन इसमें क्या होता है कि हमने एक बार तो एक मैग्नेट को ऑन किया, देन उसके बाद हमको 45 डिग्री चाहिए, ठीक है, तो हमने दो कॉइल्स को ऑन किया। ओके, उसके बाद में फिर हमने इसको ऑफ कर दिया, बी को ऑन किया, तो उस कंडीशन पर देखिए अभी जो मोशन है वो 45 डिग्री का है, यानी कि जो स्टेप हमने पहले 90 डिग्री का कंसिडर किया था, अब उस स्टेप से भी आधा स्टेप काउंट हो रहा है, यानी 45 डिग्री रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का जो रोटेशन है ये हमारा थ्रू आउट द मोटर ये ऑपरेट हो रहा है, एक बार एक कॉइल ऑपरेट होती है, एक बार दो कॉइल ऑपरेट होती है। ठीक है, अब इसी में ये तो हो गया हमारा हाफ स्टेप। नाउ इसी में अगर हम बात करें माइक्रो स्टेप की, माइक्रो स्टेप क्या होता है कि अगर सपोज करिए यहां पर हमने एक कॉइल को ऑपरेट किया, अब इसी में हम बी को फुल पावर ना दे के 50% पावर दे तो क्या होगा, ए और बी, ए को सपोज करिए पूरी पावर है 100%, बी की जो पावर है इसको हमने कंट्रोल कर लिया किसी कंट्रोलर के थ्रू या किसी पीएलसी के थ्रू, किसी भी ड्राइवर सर्किट के थ्रू इसको हमने पावर दी 50%, तो ये मोशन हमारा 50% पावर है, तो ये 45 डिग्री पर ना रुक कर ये 30 डिग्री के अप्रोक्सीमेट रुकेगा, तो ये इसका जो स्टेप है वो हमने और प्रिसाइज कर दिया। कैसे, ए और बी में पावर को जो पावर का चेंजेस है पावर को इस तरीके से हमने दिया दोनों में, दोनों पोल्स में, कि इसका जो रोटेशन है वो हमने और प्रिसाइज कर दिया। तो इसी तरीके से अब हम बी की पावर धीरे धीरे बढ़ाने लगे, सपोज करिए अब ए को मैंने 50 कर दिया, तो इस तरीके से जो क्वाइल्स हैं, जो एडजेसेंट पोल्स हैं, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर अगर हम देते जाएं, ओके, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि उस कंडीशन पे हमारे जो रोटर है, रोटर का माइक्रो स्टेपिंग हो जाएगी, स्टेपिंग फुल स्टेप ना होकर, ना हाफ स्टेप होगा ना फुल स्टेप होगा, बेसिकली वो माइक्रो स्टेप हो जाएगा। और ये टोटली डिपेंड करता है कि हम पावर किस सीक्वेंस में दोनों पोल्स, दोनों एडजेसेंट पोल को हम देंगे उस सीक्वेंस पे जो कि प्रोग्रामिंग करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द स्टेपर मोटर प्रोग्रामिंग। नाउ आगे चलते हैं, अभी हम देखेंगे कि इसके कुछ यूज केसेस देखेंगे कि ये मोटर्स कहाँ यूज होती हैं और कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री में इनका क्या यूज है। तो सबसे पहले तो ये सीएनसी मशीन में आपको ये स्टेपर मोटर हर जगह देखने को मिल जाएगी, जितनी भी सीएनसी मशीन्स हैं, जो आप ऑटोमेटिक कटिंग मशीन्स होती हैं, डिजाइनिंग मशीन्स होती हैं, वहाँ सीएनसी मशीन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली आपको 3D प्रिंटर्स में मिल जाएंगे, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन की फील्ड में ये मोटर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मोशन कंट्रोल बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, दैट्स वाई। उसके बाद में कैमरा, ऑटो फोकस एंड जो इसका मैकेनिज्म है वहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे, और जो हम नॉर्मली डिस्क ड्राइव करते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह होती है, वहाँ पे स्टेपर मोटर मिल जाएंगे। कुछ फिजिकल पार्ट उसका इस तरीके का है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, मोटर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखिए इसका सबसे जो बड़ा एडवांटेज है दैट इज प्रिसाइज कंट्रोलिंग। इस मोटर का जो सबसे शानदार आप कह सकते हैं कि इसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, 1.8 डिग्री। नॉर्मल मोटर जो आती है, जो बहुत ही प्रिसाइज मोटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मोटर जो मार्केट में अवेलेबल है जो आपका 1.8 डिग्री का प्रिसीजन देती है, दैट इज टू मच। आफ्टर दैट इसका ओपन लूप कंट्रोल जो है, इसमें कोई फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
बिकॉज मोटर में जो रोटेशन होता है उस रोटेशन को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्मली हम इनकोडर लगाते हैं, बट स्टेपर मोटर का जो सिस्टम है वो इतना हाईली एक्यूरेट होता है कि हम पल्सेस काउंट करके ये बता सकते हैं कि मोटर का रोटेशन कितना हुआ होगा। दैट्स वाई इसमें नॉर्मली इनकोडर की जरूरत नहीं पड़ती है। देन उसके बाद इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये जो मोटर्स हैं, ये मोटर्स आप किसी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्रियल मशीन में यूज़ करना है, तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑन विच बेसिस हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो नॉर्मली मोटर को स्टेपर मोटर को सेलेक्ट करने के लिए ये चार पॉइंट्स देखे जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द टॉर्क रिक्वायरमेंट। सबसे पहले जहाँ पर हम ये मोटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहाँ पर मशीन को कितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट है। देन स्पीड कंसिडरेशन, हमको कितनी मैक्सिमम स्पीड चाहिए, कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए, ऑपरेटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, उसके बाद में वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फाइनली जो जिस एनवायरनमेंट में मोटर लग रही है वो एनवायरनमेंट कैसा है, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको उसकी प्रोटेक्शन देखनी पड़ेगी। IP65 लेना है, IP67 लेना है। होप कि आज का स्टेपर मोटर का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपके जो भी क्वेरीज हैं या जो भी कमेंट्स हैं आप उनको कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।